है खुदा पाक रू आज कर रहा है आपके घर में वो अजीम दिन है जब खुदा हमारी जिंदगियों में हमारे दिल में हमारे बदनों में चुमच कर छू ले हर जिंदगी खाली जो जो खाली है अभी भी आज वक्त है क्या करें हम दामन से मिन्नत करें दुआ करें कि वो हमारे दामन को खाली जो है उसे रूह कुदस की कुदरत से भर दे क्योंकि हम उसके बगैर कुछ भी नहीं है जिसमें मसीह का रूह नहीं वो अबादत दुआ कलीसिया पास्टर साहबान एल्डर डीकन चर्च मेंबर्स अगर खुदा का रू नहीं है वहां पर तो वो बिल्कुल ठनठनाते पीतर और झंझनाते हमें अपनी जिंदगी को थोड़ा जांचना है मेरा कौन दुकान को पता है जब आपको मैसेज अंदर यही चीज का है अंधी आंखें खुले मुर्दा दिल भी जले अंधी आंखों का मतलब है रूहानी तौर पर जो होते हैं उनकी आंखें रूहानी तौर पर वो जाने और मुर्दा दिल आए बूझे हुए दिल से घर में भी वही हाल है टेलीफोन पर भी वही हाल है तू है कादर खुदा अपनी कुदरत दिखा इतने लोग हम मुंतजर है खुदा की कुदरत नहीं देखना चाहते आमीन आमीन एक बशर ये चाहता है कि उसकी जिंदगी में खुदा का जलाल और खुदा की कुदरत क्या करे काम करे उसके घराने में काम करे और उसकी कलीसिया में काम करे आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर उसको ध्यान उसकी तरफ कर कुदरत वाला खुदा है मेहरबान खुदा है मोहब्बत करने वाला खुदा है छूने वाला खुदा है आप जब कुफर नहूम से निकले तो बहुत सारे लोग बीमार आगे पड़े थे उन्होंने देखे बदरुओं से ग्रस्ता थे बीमार थे और जिस जिस को वो छूते थे कि वो क्या हो जाता था प्रेज गॉड हालेलुया छू ले पानी पानी पर भी जैसे चुंबस तक याद फ्लैश की किताब पढ़े खुदा की रूह पानी की सतह पर चुंबस करते थे पानी पानी पर भी थी उधर भी थोड़ा था कुछ नहीं था वीराने में भी वो मौजूद था कोई चीज नहीं थी ना रोशनी ना हवा ना कुछ हवा होगी है लेकिन क्या था खुदा की रूह पानी की सतह पर जंबश कर रही थी अंबिया पर थी रूह की बारिश मेरे पहले हर अंबिया पर रूह की बारिश होती रही जिसकी तारीख से वो आगे बढ़े जब तक आपकी जिंदगी में ये नहीं है आपकी जिंदगी में रूह की बारिश ही नहीं है रूह कुदस ही नहीं है और रूह कुदस की तहरीक नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते इंसान इब्तदा से ही कमजोर था अगर कमजोर ना होता ना तो भाग्य आदम से ना निकलता इब्तदा में कत्ल हो गया हुआ यस जू जू फिर गुनाह बढ़ता गया तो इंसान खुदा से खुदा ने बाइबल में लिखा कि तंग आ गए जो इस पंजाबी जाने मालूम सोचने लगा क्यों मैंने इसे बनाया है क्या करने लगा बीता लेकिन मैं इसको
अब की बात है भाई, नूह के जमाने, नूह के जमाने। फिर उसने निगाह की तो लिखा कि उसे एक रास्तबाज नजर आ गया। उसने कहा नहीं, एक अंबिया पर भी थी रूह की बारिश देने, रूह की बारिश वहां पर होने लगी। नूह से हम कलाम की करा सलाह की थी उन्होंने, क्या करो, एक तो नबूद कर दो। लेकिन वो एक शख्स रास्तबाज था, उसकी बीवी थी और सीन एक चरवाहा था ना, कितनी भेड़े थी उसकी, सौ सौ जानते ना उसको, रोज जाता था सुबह जब उठता था ना तो गिनता था, वो डब्बा रखे वहां पर बटेर टंग 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 हो गया, ये वापस आता था फिर गिनता था। खुश था, डेढ़ साल में जब उनको देखता जमा करता वापस शाम को आता उनको चारा जो देता तो खुश था, उसकी भेड़े उसके साथ है। ये एक अच्छे चरवाहा का काम है। एक दिन क्या होगा, वापस आया तो क्या हुआ, एक पत्थर जो वो गिनता था बार बार वो एक रह गया, शायद दोबारा गिना होगा, वो एक खाला गिना फिर, लेकिन फिर भी एक ढेर रिटर्न बैक हो गया। मुश्किल जगह में, कांटों में, पहाड़ियों में, वीराने में गया और ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, अपने कंधों पर रख लिया, जख्मी हो गई, थक गई थी बेचारी। वापस नहीं आया, बहुत रहीम खुदा है हमारा, गुस्सा भी उसे बड़ा आता है, अजाब भी बड़ा बड़ा नाजलाब करता है, फिर किया कि नहीं किया, एक एक दिन में 30,000 70,000 को मार दिया क्योंकि उन्होंने खुदा की नाफरमानी की। आज वो वक्त नहीं है, वक्त पर उसका को समझ जाए इकदा को दूर क्यों न सुने, मशवरा किया होगा नूह से कि की करना चाहे, उन्होंने किया नूह की कर सकता, मैं मुनादी कर रहा कि लोग तोबा कर ले, इसका मकसद ये था, मैं तेरे कलाम की मुनादी करूंगा, मैं लोगों में जाऊंगा, मैं खड़ा होके ललकारूंगा और कोशिश करूंगा कि ये समझ जाए, तोबा करे और रजू लाए कि वो वक्त ना है। एक पास किश्ती बनाने की शुरू कर, शायद ये लोग किश्ती को देखें कि खुदा का क्या मंसूबा है, जो तौबा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा और जो करेगा वो इसमें दाखिल हो जाएगा। कितने साल लगे जी अंडर साल, 120 साल किश्ती को और 120 साल उसने बना दी। और उस वक्त ना कोई इतने फनकार लोग थे, ना कोई इंजीनियर थे, ना कोई ड्राफ्टमैन थे, राइट ब्रदर? किसकी तारीख से वो किश्ती बन गई थी, किसकी तारीख से वो इंजीनियर बन गए थे, किसकी तारीख से वो मोलम बन गए थे? काउंसिल क्या आए पूरी तरीके ना नहीं प्लम्बर बोले काउंसिल क्या आ रहे हैं, वहां लोगों को खुदा की गाइड किया, बताया कि किश्ती कैसे बनानी है, इसका नक्शा कैसे बनाना है, कील कांटा कहां कहां लगाना है, और 120 साल लगे कि लोग क्या कर लें, तौबा कर लें।
तैयार हो गई किश्ती, खुदा की नजर, बाबा जी काम कर रहे ने, लगे ने, लोग मजाक कर रहे हो गया। अगर यहां पर किश्ती बनाना शुरू कर देना पूरी जगह बनेगा, बना ले समुंदर तो तमाम में है या प्राची होते जंदे जाए, ये मजाक बना हुआ था। 40-120 साल के बाद किश्ती मुकम्मल हो गई। क्या हो गया? किश्ती मुकम्मल हो गई। आया अंदर कोई किश्ती बना हवानात, वो भी खुदा की कायनात, वो नूह के कहने पे नहीं खुदा के कहने पे आए। देखिए गौर करें इस बात पर, इंसान कहाँ है, हवान कहाँ है? हवान ने खुदा की आवाज को सुना और उसे कबूल किया और वो किश्ती में दाखिल हो गए ताकि उनकी नस्ल बाकी रह जाए। सब जानवर खुदा ने कहते ना, मैंने जानवर तो ना फिर बनाने पैर ये नहीं होते थे, वो भी खुदा की कहे। आज भी सुबह उठते हैं जब परिंदे चहचहाते हैं उस खुदा की तारीफ और तमजीद करते हैं, ना वो बोते हैं ना वो फिर भी क्या करते हैं, खा के सोते हैं। हाँ जी यस, फिर भी खा के ही सोते हैं। ये है खुदा की आजकल मैं वो नट पिटा जानवरों का बड़ा शेरों को लोगों ने घर में पाला होगा, शेर चीता ब्रीज कुश्तियां कर रहे हैं, खेल रहे हैं। देखिए वो इंसान को खुदा ने कितनी कुवत दे रखी। चलो इंसान आनी वारी है, किन्ने आए अंदर? 8 जन आए, तीन उसके बेटे और उसकी उसी का खान क्या हुआ फिर? वो बदलिया होने शुरू हो गया, फिर बादल ज्यादा आने शुरू हो गए, गहरी काली घटाएं छाना शुरू हो गई और फिर टप 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 बारिश शुरू हो गई। अब दौड़े लोग बाबा जी को बाबे ने बंद नहीं किया, वो तो खुदा ने बंद कर दिया। 120 साल आपने मौका दिया, तौबा करो, रजू लो, बच जाओ। आपका क्या ख्याल है, अगर वो तौबा कर लेते तो शायद दरमियान में ही या 10 साल के बाद ही किश्ती बनानी खत्म हो जाती पहले तो ऐसा हुआ था। मानता हूं सभी अपनी कमजोरियां, भाई ने पिछले अबारत में अपनी कमजोरी का इकरार किया, प्रेज गॉड हालेलुया, कभी ना शर्माए, मैं इंजील से नहीं शर्माता। अंजील ने बताया उनको, कलाम ने सिखाया उनको, कलाम ने उठा खड़ा किया, खुदा की रूह की तहरीक ने उन्हें उठा खड़ा किया। आपकी इज्जत खुदा के सामने और फिर कलीसिया के सामने अपने भाइयों के सामने और बढ़ेगी। इकरार करे आए हैं मलिक, मेरी इसलिए गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हर इंसान गलती का पुतला है, पास्टर हो, बिशप हो, वो पोप हो, वो कोई भी है, हर से गलती किसी ना किसी जगह हो जाती है और हर इंसान में किसी ना किसी जगह कमजोरी होती है और वो जानता है, मैं जानता हूं मुझमें कहां कमजोरी है, आप जानते हैं कहां कमजोरी है, मेरी है अकेले नकेले। आप उससे तो नहीं छुपा सकते, मुझे छुपा लेंगे, कलीसिया से छुपा लेंगे, ठीक है जी,
लेकिन खुदा से नहीं छुपते, वो आपको अल्लाह करता रहता है, ये भी याद रखें। जब आपका कभी कभी जमीन मलामत करता है ये रह करता है, इसका मतलब है कि खुदा का रूह आपको गाइड कर रहा है, मलामत कर रहा है। टर्न बैक, तौबा कर, छोड़ इस बुराई को जो तुझ में अभी भी है, छोड़ इस बिदत को, छोड़ इस बदकोया करने को, छोड़ इन बुरी आदतों को। असीम खुदा है, नाइनटी नाइन वर्ष की उम्र थी जब वो इब्राहिम के पास खुदा आया। कितनी उम्र थी? 99। और जब खुदा ने उसे कहा कि मैं तुझे बहुत बड़ी कौन बनाऊंगा, आसमान के सितारों और समुंदर की, बाबा घबरा गया है। 99 साल मेरी उम्र है, मेरी कौम कितों बनेगी? देखिए खुदा, ये है खुदा की शुक्रिया हरियाणा कर देता है, हरियाणा ये है खुदा की कुदरत। दरियाओं को कुछ कर देता है और कुछ बयाबानों में समुद्र चला देता है। चलाया दो परेशान थे, बाबे के दुआले हो गए, पानी कोई नहीं, मर गए ना, डगरा नहीं पानी दे, ना साढ़े नहीं पानी दे, ना कपड़े धोन नहीं पानी दे, ना नाल नहीं पानी। खुदा साथ साथ चलता था, आज भी आपके साथ है। देखिए जरा है, वो मौजूद है। खुदा साथ साथ चल रहा था और उसने मूसा से कहा, ये चट्टान तेरे साथ है, लिखा के वो दरियाओं की तरह पानी आ गया। जानवर भी शेर हो रहे, नहा रहे, लोगों ने कपड़े धोए, पानी पिया, जमा भी किया, बड़ी खुशहाल। जब हम अपनी कमजोरियों का तराफ कर लेंगे, फिर क्या बख्श दे आए खुदा अपनी, कैसे जोर से वो काम करता है। कुदरत ये है खुदा, हमारी कमजोरी क्या खुदा नहीं जानता? ऐसे सूखे सेठ बने हैं, खुदा जानता है हमारी कमजोरी कहाँ है। खुदा जानता है कि ये 99 वर्ष का भी है, लेकिन मैंने इसके साथ वादा कर दिया है, और मैंने इसे औलाद भी देनी है, और मैंने इसे बहुत बड़ी कौम भी बनाना है। आज 10 दिन से जंग चल रही है, बहुत सी जंगें उन्होंने पहले भी लड़ी, लाशों के ढेर लगे हुए हैं, बच्चों समेत लग रहे हैं। अभी आज बता रहे थे कि अफगानिस्तान में, ये कब की बात है? कल परसों की बात, 2-2.5 हफ्ते में 2-250 लोगों को कत्ल गदरे काट दिए। क्यों? सर्कल का नाम तबलीग करते थे, लोगों को हकीकी राह बता रहे थे, मुहम नू की तरह तोबा करो, रजू लाओ। इसलिए मैंने एक दफा कहा था, इससे बेहतर के 6 लोग उठा के आपको बक्स में, चर्च में लाए तो बकाना। दैट इज नॉट अ टाइम, जब वो लाएंगे ना चर्च में, जब वो तौबा का वक्त नहीं होगा। वो किस लिए ला रहे हैं आपको? तौबा करेंगे। मैंने बड़ी करीब से ये मंजर देखे हुए हैं। पाकिस्तान में जब मैं जनाजे पे जा करता था, जा ऐसा खड़े होना है तो जगह, इसमें मैयत को उठा के, और जिस दिन आपकी जान निकल जाती है, आपका नाम कोई नहीं लेगा, कहेंगे मैयत किसे कोई, ऐसा ही है आपका नाम खराब। And
कोई नहीं कहेगा भाई अजमल, कोई नहीं कहेगा पास्टर जावेद, ये तो थे कोई मान गया ना आपके, मैं सूट पाया बट मैं कल अपने बच्चे को कैसे रहे उसको कि मुझे नया सूट चाहिए, नवी टाई, नए जूता, हर चीज नया। आपको भी बता रहा हूँ ऐसा हादसा यहाँ ना हो जाए। क्या है इसे तो नहीं कहना पास्टर जॉन पर नहीं को बुलाएगा भाई, मत यू विल ना जाता रहेगा। आज वक्त है मेरे भाई, इसी तरह नूह एक दिन अपने सॉरी इब्राहिम बैठा हुआ था अपने कैमरे में बलूतों पे रख, गर्मी बड़ी अच्छी और उसने तीन मेहमान आते हुए देखे, कितने मेहमान आ रहे, तीन में लोग उसकी तरह बढ़ रहे थे, उसने उसने देखा, देखिए खुदा के लोगों का काम, उसने पहचान लिया ये कौन लोग देख रहे दोनों ऐसे आपको जो आए ने दौड़ते हुए अफगानिस्तान में आ रहे, उसने जान लिया कि वो कौन है खुदा के लोग, तो फरिश्ते और एक पैगाम लेके आए थे उसके, वो जरूर तेरे यहां एक बेटा पैदा होगा, माया स्पेसी हंसने वाली बात है, लेकिन खुदा ने वादा किया, खुदा ने अपनी कुदरत वहां पर जाहिर की, फिर उसने फटाफट कहा तैयार करो खाना तैयार, जाते जाते क्या उन्होंने कहा कि हम कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे थे वो पिंडी इस्लामाबाद, दोनों से करीबी शहर बर्दाश्त किया, और ऐसे मैं देख रहा हूं अब क्या हो रहा है, अब नहीं इब्राहिम को क्या हुआ, चौंक गया क्योंकि उसका दूध हुआ था आ गया, अरे खुदा अरे वहां कितने 50 से शुरू हुआ था, 50 लोग भी रात बाहर निकले तो फिर भी वही काम होगा, इसको दबूल कर देगा, अच्छा नहीं करते, फिर 40, 30, 20, 10 पे आ गया, वो जानता था कुछ नहीं निकलने वाला, वो आज भी जानता है, रियाद कलीसियों से कितने लोग निकलने वाले हैं खुदा जानता है, अरे ये बाहु बने हैं, याद रखे ही नोस कितने लोग निकले, कि नहीं चार निकले, चार निकले, तीन बच बचे थे, तीन बचे थे, आठ बचे थे, यहाँ कितने बजे अपने वालों में और अपने इरादे में देर नहीं करता, याद नहीं करता, वक्त देता है, तौबा करो रजू लो ये मान लो, क्योंकि क्या है वक्त है, एक और शहर की कहानी बता देता हूँ, यूना की किताब पढ़ी है किताब में पढ़े क्या हुआ वहां पर भी, वो भी यही इसी हाल में थे, बदी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कौन सा शहर था नैनवा, खुदा ने अपने बंदे को चुना, रूल कुदस की तहरीक से उसे झंझोड़ा, कलाम दिया चुना जाओ, खुदा ने कभी इतनी सख्ती नहीं की, पहले मौका देता है फौरन बाहर देने वाले पर 120 साल देर सदूम मूला को भी बड़ा मौका दिया था, आप नैनवा को फिर उसने मौका दे दिया, और यूना डरता था
अगर मैंने जाके वहां पर ये कह दिया मुनादी शुरू करी तो क्या करेंगे लोग मुझे? 74 की बात है, मुझे कक्कड़ गिल्ले गांव में भाई ने देखा हुआ है, बड़ी क्रस्ट क्लीसिया, एक चर्च है 70 का, ये सारा 75 फैमिली वहां पर थी। बात कर मुझे मैं कॉलेज से निकला बिल्कुल फ्रेश, कोई तजर्बा नहीं, कक्कड़ गिल जा रहा है, जाके देख लो। दो दफा मैं गया, 9-10 महीने फिर उनका बात लहर के किनारे साइकिल पे, मैंने आगे करना नहीं, कुछ ये कहानियां वहां से मिल गई। उसे सारे टोके कुआरियां आ रहे, कत्ल हुए हुए थे आपस में क्रिश्चनों के, कड़क कलीसिया। मेरी उम्र क्या है इनकी? दूसरी दफा एक हफ्ते के बाद नहीं जाना है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम था कि वहां चर्च स्कूल था, तो मुझे स्कूल के लिए उनको ज्यादा तरजीह देना चाह रहे थे कि आप स्कूल भी पढ़ाएंगे और पास्टर दोनों काम करेंगे। दूसरी दफा गया, थोड़ा सा मिला गिला लोगों से, हमारे रिश्तेदार मुझे पुराने कुछ रिश्तेदारों का नाम मुझे याद था, मैंने पूछा वो मिले मुझे वहां, मैंने कहा आगे ठीक है मैं जाऊंगा, थोड़ा सा मुझे हौसला हो गया। क्या मैं और मेरी थेरेपी दोनों से यहाँ 4.5 साल भाई मेरा कर रहा, और वहां जब निकले तो रो रो के निकले थे, खुदा का शुक्र है 4-5 बच्चे वहां से स्कूल से फिर उनका बाल पढ़ने आए, आज बहुत दूर तक पहुंचे हुए सारे। कहने का मतलब है कि हम डरते हैं कभी कभी, ऐसा ही अड्डे अरब साई क्यों जी ये खेल रिप्रेजेंट कीजिए, अरे प्लीज अब तो काफी तब्दीली आ गई, उनका शुक्र है। उस वक्त एक टोल की एक घंटा होना बस उसके साथ नलवा को ना कहा, किसे कहा गया? यूना को क्या कहा गया? नलवा बजा खुदा नहीं चाहता, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, चाहता है नहीं, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक। और यूना डरता था, दूसरे पास कर गया, गाने से बह गया, अब सबको पता कहानी क्या हाल, जहाज डगमगा रहा है, घर खोने को है, लोग परेशान है, उन्होंने सामान भी भेजा बेच बे समुद्र में फेंक दिया, ये भाई साहब वहां कोने में लगे हुए थे, भाई उठता देने को किसकी वजह से ये हो रहा है? टेवे लग दे पुरान काम ना, उसने कहा मेरी वजह से कि मुझे जो हुक्म दिया था खुदा ने, मैं उधर नहीं, मैं याद रखे खुदा के बड़े अजीम मनसूबा, कुदरत तुझे है खुदा की, मुझे समुंदर में मेरी वजह से आप सब समुद्र में खुदा ने आगे सफर तैयार किया हुआ था, उसको बहुत बड़ी वेल मच सब खराब कर दी, उसको पीछे जाएगा कि सुंदर सुनो यहां से वो भागना चाह रहा था। यूना ने वहां मुनादी की और क्या हुआ रिजल्ट के लोगों ने उसके कलाम को सुना, खुदा का रूह काम करता है भाई, वो अपने खादमों को भेजने से पहले ही उस जगह को तैयार करता है, कोई ना कोई तो सुनेगा। जो खुदा ने कहा था उसके मुताबिक उन्होंने बुला दी थी, बड़ा पैर गया परसों होगा नहीं सुनी खुदा की आवाज, सुना खुदा का कलाम, सुना खुदा की तहरीक, रूह कुदस की तहरीक जो काम कर रही थी उसने काम किया वहां पर, बादशाह भी ताड़ ओढ़ के जमीन पर आ गया।
ये है बता, ये है उसका असूल, ये है उसकी आवाज। आए खुदा पाकर हुआ जुम्बश कर, सारा कलाम आज इस गीत से शुरू हुआ। तू वाला तो नहीं पढ़ा मैं, ना मैंने अपने नोट्स बनाया। खुदा काम करता है। आज भी हमारे बहुत सारी कमजोरियां हैं, आज भी हमें जरूरत है खुदा के रूल कुदस की, खुदा के रूल कुदस की तहरीक की जरूरत है, तब काम, तब हम भी बचेंगे। बहुत सारे आज भी युद्ध लगे चाहिए जो ताकि काम नाम करे, ताकि लोग तौबा करें, लोग ईमान लाए। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस ईमान लाए हाथ ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। किसी की ताकत नहीं करता, बल्कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। फिर देखिया अब भाई ने आज बड़ा अच्छा शेर सुनाया, मेरी जिंदगी में नहीं लहू से क्या था पड़ा, मेरे बदन दी कलम बरा मौला, मेरे बदन दी कलम बरा मौला, यानी मेरी जिंदगी मेरा बदन मेरा सब कुछ तेरे लिए है। आमीन। जी आगे हवावां ते लिख जावा ना तेरा, हवावां ते यानी पूरी दुनिया में यूनिवर्स में तेरा नाम लिख जाऊं, तेरे खून दी लाल स्याही होवे, तेरे खून दी लाल स्याही होवे, मैं लिख दिया मुक जावा, मैं मुक भी जावा तो तेरा खून इस शरीर पर बेहतर है, बेहतर है। हम उसके बगैर कुछ नहीं है, बिल्कुल बेकार है। ठन ठनाते बीते ठीक नाती जाने पढ़ना 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 पढ़ना, हम पूरी कोशिश करते हैं खादगे आस्पिरेटर ठीक, लेकिन वो भी काम कर तोड़ता है, पकड़ता है बीच में से बंदों को, नेस्तो नबूद करना चाहता है, तबाह करना चाहता है हमें। आज भी वो नहीं चाहता कोई पिछड़े सवार, वो नहीं चाहता कोई किश्ती में सवार, वो नहीं चाहता कोई नरमा शहर की तरह तोबा करे और बच जाए, वो चाहता है की तरह घर हो जाए। सारे देखो वो बातों के पक्षा आने वाला है, आने वाला है। यस कश्यप पहला बार साथ है, बड़े जरा देखो वो बादलों के साथ आने वाला है जी, और हर एक आंख उसे देखेगी जी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे बेशक। आमीन। सब कबीले उसके क्या करेंगे, छाती पीटेंगे। हाय हाय की हो गया, मैं क्यों तौबा की थी, मैंने क्यों ना तौबा कर ली, आज क्या गजब आने वाला है। अगला एक और हवाला पढ़ेंगे, मैं मार्क काशफ फाइव बाप चौदह आयत से जी। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, मुबारक है वो, गौर से सुने, जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दर्द के क्योंकि जिंदगी के दर्द के पास आने का इख्तियार वही पाएंगे, वही किश्ती में बच जाएंगे, वही नैनवा शहर में बच जाएंगे। कौन आगे, और उन दरवाजों से शहर में दाखिल, और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे, मगर कुत्ते और जादूगर, अब जरा गौर से सुनना, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। ये लोग वहां दाखिल नहीं हो सकेंगे। झूठी बातें, वो क्या कलीसिया हो या घर हो या गांव हो या बरादरी हो, खून खार दो, जादूगर, बुतप्रस्त, ये लोग खुदा इनसे बड़ी नफरत करता है।
जादूगर हरामकार खूनी बुत प्रस्त झूठी बातों का अरे पसंद करने वाला करने वाला ये बात कहता है। ये लोग नहीं जा सकते यार, ना ये नरमा में हो ना ये मुसलमान ना उनकी कश्ती में दाखिल हो सकते कभी नहीं। आपने एक सवाल किया था पिछले हफ्ते छोटी उम्र तो 55 उसकी 23 साल थी, आज मैं आपको बता देता हूँ उसका जवाब। ये उम्र जो हमारी इस दुनिया में भी है हम छोटी उम्र ये 70 भी हो सकती है 80 भी है 90 भी है जो भी होगी, बड़ी उम्र असल उम्र वो होगी जो हमेशा की जिंदगी में आप इस उम्र में मौत भी चले जाएंगे। तस्लीफे में लिखा जो मसीह में मोए हुए हैं सोए हुए हैं हुए नहीं, जो जो सो जाएंगे मसीह में वो फिर जी उठेंगे और उनको फिर जिंदगी मिलेगी और वो जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। इसका जिंदा सबूत खुदा यीशु मसीह जब मसलूब हुए तो कब्रें और कौन लोग जी उठे थे जो रास्तबाज थे, आज वो आसमान पर जिंदा है हजारों साल उनकी उम्र है। यू बिलीव दैट ये उम्र खत्म होने वाली है, 90 हो जाए 70 हो जाए 80 हो जाए, इस पर फख्र ना करें। फख्र ये करें कि जब ये मेरी मौत खत्म हो जाए जब मैं सो जाऊं या मौत का लुक्मा हूं तो मैं मसीह में सो जाऊं ताकि मुझे अगली जिंदगी मिल जाए। इसलिए उसे क्या होने के होगी ठीक करने के सच्चे ने हमेशा ठीक कर दिया ये था मैं सब का भी मैं ज़बूर में भी है सामान पर मैं पढ़ता हूँ। ये लोग नहीं जा सकेंगे, ये लोग हैं छोटी उम्र वाले अति उम्र वाले हैं ऐसे वो लोग, या तो सीधे शामिल हो जाओ अति उम्र वाले तो क्या अति उम्र आमीन वेरी व्हाट मैं 80 हो जाऊं 90 हो जाऊं फिर भी आखिर मुंह फिर भी लेकिन आज मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं खुदा के कलाम से आगाही दे रहा हूं अगर आप मसीह में सो गए लफ्ज़ लिखा हुआ है बड़े पहला तस्नीकियों के तस्नीकियों चार बार उसकी 13 पहला तस्नीकियों चार बार 13 जी है भाइयों हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं या जो मौत का लुक्मा हो जाते हैं उनसे बेखबर रहो जी उनकी बाबत तुम ना वाकिफ ना रहो ताकि औरों की माने जो ना उम्मीद है गम ना करो। औरों की माने जो ना उम्मीद है गम ना करो लोगों को बताए समझाए ताकि नजदीक आए और दुआ करें कि मेरी मौत मैं उसी में मरू ना बल्कि उसी में सो जाऊं। सब उठेंगे लिखा हुआ बाइबल उठेंगे सारे देखो वो बादलों के साथ आने वाला हर एक आंख उसे देखेगी जिन्होंने उसे यानी इब्तदा से लेके आखिर तक जो लोग जिंदा हुए मसीह खुदा की मसलूबियत के वक्त वो तो आसमान पर चले गए पहली कयामत थी वो भाई अब दूसरी कयामत आने वाली है और वो लोग जो रास्तबाज है जो खुदावन में सो जाएंगे जो जिंदा भी होंगे वो उसके साथ उन दरवाजों से दाखिल होंगे जो अपने कपड़े धोंगा अपने आप को धोंगा ब्लड ऑफ जीसस और मैं कुछ केमिकल नहीं कह रहे हैं यहां पर फिर कुछ धूंगा Wash yourself, clean yourself, blood of Jesus. I agree with you.